हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो स्वागत है आपका सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में, जो कि है लॉजिक गेट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। इसका पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है और ये जो है वो इसका पार्ट टू है। तो मेक श्योर कि पार्ट टू देखने के पहले आप पार्ट वन अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको बेसिक गेट्स के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। इसके बाद जब आप पार्ट टू देखेंगे, तभी आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। सो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर कहा है कि लॉजिक गेट क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होता है, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। साथ ही लॉजिक गेट्स के अंदर हमने देखा कि वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स और एक होते हैं हमारे डिराइव्ड, या फिर हम इन्हें जो है वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बोलते हैं। तो ये सभी जो है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। बेसिक गेट्स के अंदर जो है वो हमारे एंड गेट आते हैं, नॉट गेट आता है और गेट आता है, और जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं या फिर जो डिराइव्ड गेट्स होते हैं, इनके अंदर हमारा नॉर गेट आता है, नैंड गेट आता है और एक्सॉर गेट आता है। और ये सभी गेट्स को जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम इन तीनों को डिस्कस किए थे इन डिटेल। हमने इसके अंदर इसका सिंबल देखा था, साथ ही इसका ट्रुथ टेबल देखा था, और फिर इसके अंदर जो है वो हमने इसका बूलियन अलजेब्रा देखा था, इसका एक्सप्रेशन भी हमने देखा था कि किस तरह से होता है। सभी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, और आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं फॉर्मेट को लेकर ये सभी गेट्स पढ़ रहे होंगे, जो कि इसका नॉर गेट है, नैंड गेट है और एक्सॉर गेट्स है। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और आपको ये सभी गेट्स के ये सभी पैरामीटर समझ में आ जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। समझते हैं सबसे पहले कि ये डिराइव्ड गेट्स या फिर ये जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, ये होते क्या हैं। और ये सभी हैंड रिटन नोट्स को एक्सेस करने के लिए लेक्चर बाय लेक्चर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, अगर आपने नहीं किया है। और वो जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जो है वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं सारे नोट्स को एक्सेस करने के लिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट गेट है, जो कि है हमारा नॉर गेट। लेकिन नॉर गेट को समझने के पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल या फिर जो डेराइव्ड गेट्स हैं उनकी। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि हम यहाँ पर ये गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोल रहे हैं, या फिर हम इन्हें डेराइव्ड गेट्स क्यों बोल रहे हैं। तो इसका ये रीज़न है क्योंकि हम नॉर, नैंड और एक्सॉर गेट से हम ये कोई भी गेट बना सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इन्हें डिराइव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिक गेट से डिराइव करके इन्हें बनाया गया है। तो इन्हें हम कहते हैं डिराइव गेट्स, और यूनिवर्सल कहते हैं क्योंकि सिर्फ नॉर से हम ये सभी कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स बना सकते हैं। नॉर जो है वो आपको पता है कि वो नॉट और नॉट से बनाता है। तो अगर हम नॉर गेट ले तो हम नॉट गेट बना सकते हैं, साथ ही और गेट बना सकते हैं। इसी तरह से नैंड से हम नॉर एंड और नॉट गेट बना सकते हैं, और इनके कॉम्बिनेशंस के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। एक्सॉर की भी सेम हाल है। तो ये सब जो है वो बेसिक गेट से डिराइव्ड होते हैं, इसलिए इन्हें डिराइव्ड गेट्स कहा जाता है। साथ ही यूनिवर्सल कहा जाता है क्योंकि ये गेट्स को अगर हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं तो हम जो है बेसिक गेट्स को बना सकते हैं। सो ये उसका मतलब होता है बेसिकली ये डिराइव्ड और यूनिवर्सल गेट्स का। अभी हम बढ़ेंगे नॉर गेट के बारे में। तो जैसे आपको पता चल गया होगा कि अब तक हम किस तरह के पैटर्न से हम डील कर रहे हैं, तो बेसिकली सबसे पहले तो हम इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो स्टेटमेंट है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो नॉर गेट का मतलब ये होता है, अगर हम इसके जस्ट लॉजिक के बारे में बात करें, तो इसका जो लॉजिक है वो कुछ इस तरह से होगा। इफ़ ए इज ट्रू और बी इज ट्रू, देन वाई इज फॉल्स। तो ये आप अगर सिमिलैरिटी वाइज देखते हैं तो ये और गेट का टोटली अपोजिट है। और गेट के अंदर आपको दिखाई दिया होगा कि जब भी ए ट्रू होता है और जब भी हमारा बी ट्रू होता है तो और यहाँ पर आता है और वाई जो है वो ट्रू आता है, लेकिन नॉर के केस में यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। बस यही एक इसका डिफरेंस है। तो लॉजिक भी इसका सिंपल है, जब भी ए और बी दोनों ट्रू हो गए या फिर दोनों में से कोई एक ट्रू होगा, तभी हमारा जो रिजल्ट है, जो वाई है हमारा, जो आउटपुट है वो फॉल्स होगा। अभी हम बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल के बारे में। सो अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमें कौन से जो है वो पैरामीटर्स यहाँ पर डिस्कस करने होंगे। सबसे पहले हम लॉजिक के बारे में बात करेंगे, फिर ट्रुथ टेबल, बूलियन इक्वेशन, सिंबल और फिर सर्किट डायग्राम। तो फिर अगर हम नॉर गेट के बारे में बात करते हैं और अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं,
और आपको अभी तक पता चल गया होगा कि अगर हम दो एक इनपुट और एक आउटपुट लेते हैं सॉरी अगर हम दो इनपुट्स और एक आउटपुट की बात करते हैं तो वो जो है वो ज़ीरो ज़ीरो इस कौन से जो टर्म्स के अंदर वो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपको पता चल गया होगा कि इस तरह का ये टेबल बनता है। और अगर हम नॉर की बात करते हैं तो ये ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से बनेगा, वन इज ट्रू और बी इज ट्रू, यानी कि दोनों में से अगर एक एटलीस्ट वन है तो हमारा जो वाई है वो फॉल्स होगा। आप देख सकते हैं दोनों में से जो है वो दोनों ज़ीरो है तो हमारा जो आउटपुट है वो हम देखेंगे क्या होगा। लेकिन सबसे पहले इस लॉजिक के हिसाब से देखते हैं ताकि इसका जो कॉन्ट्रोवर्शियल सेक्शन है उसे फिल करना ईजी हो। ए इज़ ट्रू तो आप देख सकते हैं ए यहाँ पर ट्रू है और बी इज़ ट्रू, तो अगर ये ज़ीरो है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर आउटपुट के अंदर फॉल्स आएगा यानी कि ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह से अगर बी ट्रू है और ए ट्रू है या फिर दोनों भी ट्रू है तो हमारा जो आउटपुट है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो इस केस में ये ट्रू है तो फिर ज़ीरो आ जाएगा, इस केस में दोनों भी ट्रू है तो फिर भी ज़ीरो आ जाएगा और सिर्फ इस केस में वन आ जाएगा। और अगर हम कंपेयर इन्हें करते हैं विथ आर और गेट जो हमने डिस्कस किया था सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो और गेट का ये टोटली अपोजिट इसका आउटपुट मिलता है। अगर आप ये इसे कंपेयर करते हैं, ये हमने और गेट का डिस्कशन किया था, ये पूरा हमने देखा था लॉजिक ट्रुथ टेबल बूलियन इक्वेशन, तो अगर आप इसे इसके साथ कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जहाँ वन है वहाँ यहाँ ज़ीरो है और जहाँ कहीं भी ज़ीरो है वहाँ वन है। तो बेसिकली हम और के अंदर जब भी हम नॉट गेट को मिला देते हैं तो नॉट का बेसिक मतलब होता है कि ज़ीरो को वो वन कर देता है, वन को वो ज़ीरो कर देता है, तो ये जो है वो नॉट गेट की खासियत होती है। तो बेसिकली जब भी हम और गेट के अंदर नॉट गेट को मिला देते हैं तो हमारा आउटपुट जो है वो नॉट गेट का आ जाता है, इट्स दैट सिंपल। सो ये जो है वो हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये ट्रुथ टेबल हो गया, ये लॉजिक हो गया। अभी जो है वो हम बात करते हैं इसके बूलियन इक्वेशन की। सो अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं बूलियन इक्वेशन तो और गेट का बूलियन इक्वेशन होगा वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये तो और का हो गया, लेकिन चूंकि ये हम कॉम्प्लीमेंट करा रहे हैं उसका जीरो को वन और वन को ज़ीरो करा रहे हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस है तो यहाँ पर हम इसको बार से रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट या फिर जो और गेट है उसके रिजल्ट का बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसका इन्वर्टेड आउटपुट, तो फिर हम इसको जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये तीन पैरामीटर्स हमने डिस्कस कर रखे हैं। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो उसके अंदर हम सिंबल की बात करते हैं नॉर गेट की। सो अगर हम सिंबल की बात करते हैं तो आपको अगर याद आ रहा होगा कि हमने और का किस तरह से किया था तो और का बेसिकली हमने इस तरह से किया था और फिर यहाँ पर जो है वो ऐसे था और फिर यहाँ पर जो है वो उसके दो इनपुट्स थे ए बी और यहाँ पर वाई था जो कि ए प्लस बी था, तो ये सिंपली हमारा और का हो गया। लेकिन अगर हम नॉर के सिंबल की बात करते हैं नॉर गेट की तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सिर्फ एक हमें बूलियन बनाना होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये और गेट का अपोजिट है, ये बूलियन नॉट का काम करता है जो कि हमारे आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है। तो अगर यहाँ पर जो है वो ए डॉट बी अगर सॉरी ए प्लस बी अगर जा रहा होगा तो इसके वजह से जो हमारा आउटपुट होगा वो ए प्लस बी बार हो जाएगा। सो इस तरह से हम इसका सिंबल बनाते हैं, सिंपली और गेट बनाकर यहाँ पर बूलियन लगा देते हैं तो वो नॉर गेट बन जाता है। इसी तरह से अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करते हैं नॉर गेट की तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। आप देखिएगा यहाँ पर हमारा एलईडी आ जाएगा, यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टर होगा, यहाँ पर हम पावर सप्लाई करेंगे और फिर ये एलईडी है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे एरोज बना देंगे। यहाँ पर जो है वो इसका पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। और अभी ये तो नॉर्मल सर्किट की बात हुई, अगर हम यहाँ पर हमारे दोनों इनपुट्स लगाएं नॉर गेट के अंदर हम जो है वो इस तरह से लगाएंगे, एक हमारा ये इनपुट होगा, दूसरा हमारा ये इनपुट होगा, ये ए होगा हमारा, ये बी होगा और फिर ये दोनों जो है वो यहाँ पर कनेक्टेड होंगे। तो इस तरह से जो है वो हम दोनों भी इनपुट्स को इस तरफ कनेक्ट कर देंगे और ये जो है वो हमारा नॉर गेट का सर्किट डायग्राम बनके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर अभी हम इसे वेरीफाई करेंगे कि हमने इस तरह से क्यों बनाया, जबकि और गेट के सर्किट डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये और गेट है, इसका सर्किट डायग्राम की बात करें तो हमने इसे इस तरह से लगाया था पैरेलली
और यहाँ पर आउटपुट को सीरीज में हमने जोड़ दिया था। तो यहाँ पर हम वैसे नहीं कर रहे हैं, हम इसको जो है वो सभी के पैरेलल हम लगा रहे हैं नॉर के लिए। तो अभी अगर हम यहाँ पर इसके ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, ए बी और एल ई डी जो कि हमारा वाई है, तो और यहाँ पर अगर हम आपको मैंने बता दिया है कि आपको किस तरह से याद रखना है कि ओपन कहाँ पर है और क्लोज कहाँ पर है, तो आपको पता है कि यहाँ पर 0 0 आता है, फिर यहाँ पर 0 1, 1 0 और फिर 1 1। तो आपको पता है कि जहाँ पर भी 0 आता है वहाँ पर हमें ओपन लिख देना है, और जहाँ पर भी 1 आता है वहाँ पर हमें क्लोज कर देना है। सो आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरह से ओपन और क्लोज बना सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, वो ओपन क्लोज की जगह पर उल्टा लग देता है कई बार, तो हमें ऐसे नहीं करना है। तो अभी जो है वो हम यहाँ पर रन करके देखते हैं कि हमारा ये जो सर्किट हमने बनाया है क्या ये लॉजिकली करेक्ट है, हम इसे प्रूव करते हैं। सो हमारा इस केस में क्या है कि हमारा ए ओपन है और बी ओपन है, अगर दोनों भी ओपन है तो इस केस में क्या होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ए ओपन है और बी भी ओपन है, यानी कि ये कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ये शॉर्ट सर्किटेड नहीं है, ओपन सर्किट है। तो सिंपली हमारा करंट यहाँ से जाएगा और फिर इसके अंदर वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो दोनों भी ओपन है, यानी कि यहाँ पर इस केस में ये दोनों है ही नहीं, ऐसे पकड़ लीजिए। फिर ये जो है वो यहाँ से हमारा सिंपली करंट आकर इसके अंदर जाएगा और हमारी एल ई डी ग्लो होगी। तो यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे एल ई डी एस ऑन, क्योंकि यहाँ पर कुछ सर्किट बनानी था तो हमने सीधा इस तरह से पास करवाया और हमारी एल ई डी ऑन हो गई। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं जहाँ पर हमारा ए ओपन है लेकिन बी क्लोज है, तो ए ओपन यानी कि ये ओपन सर्किट हो गया, बी क्लोज तो हमारा जो करंट है वो इस तरफ से होकर जाएगा, और फिर आप देख सकते हैं कि हमारी एलईडी को उसने टच भी नहीं किया, तो एलईडी हमारे इस केस में ऑफ ही रहेगी। अगर हम दूसरे केस की बात करते हैं जहाँ पर ए क्लोज है और बी ओपन है, तो ये हमने शॉर्ट सर्किट करवाया और ये जो है वो अभी ओपन सर्किट है, तो सिंपली करंट आकर शॉर्ट सर्किटेड ए में से जाकर इस तरह से जाएगा और बी हमारा ओपन रहेगा, तो यहाँ पर अगेन हमारी एलईडी ऑफ रहेगी। नेक्स्ट कंडीशन में जब ये दोनों भी ऑफ होता है, तो जब भी दोनों भी हमारे क्लोज होता है, तो जो है वो करंट कोई भी एक पार्ट लेगा, बेसिकली वो शॉर्टेस्ट पार्ट लेता है तो वो ए से ही जाएगा, और इस केस में भी हमारी जो एलईडी है वो बंद रहेगी। या फिर आप देख सकते हैं कि ये दोनों भी शॉर्ट सर्किटेड है, तो उसे कंबाइन जो है वो हम सिंगल सर्किट बना सकते हैं, तो हमारा जो ये करंट है वो इस तरह से फ्लो होगा और एलईडी फिर भी ऑफ ही रहेगी। तो इस तरह से हम ये सर्किट डायग्राम को प्रूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जिसके अंदर हम ए बी इनपुट देकर एलईडी को हम आउटपुट बना रहे हैं और हम ओपन और क्लोज टर्म्स में बात कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको और गेट का जो सॉरी नॉर गेट का जो सर्किट डायग्राम है वो समझ में आ गया होगा। अभी इसी तरह से हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक सॉरी यूनिवर्सल लॉजिक गेट की, जो कि है नैंड। और नैंड से आपको पता चल गया होगा कि ये जो है वो एंड प्लस नॉट से बनता है, और इसे हम कहते हैं एंड गेट, नैंड गेट। अभी सबसे पहले हम इसकी लॉजिक की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो नैंड गेट जैसे आपने नॉर का देखा उसी तरह से हमें नैंड के अंदर भी लॉजिक लगाना है। तो एंड को सबसे मद्देनजर रखते हुए हमें पहले लिखना है एंड का लॉजिक। तो एंड के केस में क्या था, इफ ए इज हाई एंड बी इज हाई, देन जो हमारा आउटपुट है वो एंड के केस में यहाँ पर हाई था, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम लो लिखेंगे, या फिर सिंपली अगर आप हाई के जगह पर अगर आप जो है वो ट्रू लिखते हैं, यहाँ अगर हम ट्रू लिखते हैं तो यहाँ हम लिख देंगे फॉल्स। सो बेसिकली इसमें ये है इसका लॉजिक कि व्हेन ए इज ट्रू एंड व्हेन बी इज ट्रू, यानी कि जब भी दोनों भी ट्रू हैं, तो एंड के अंदर हमारा था कि वाई इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन नैंड के अंदर हम उसका रिवर्स कर देंगे, तो हम लिखेंगे कि हमारा जो वाई है वो फॉल्स होगा इस केस में, जो कि होगा हमारा नैंड का लॉजिक। तो लॉजिक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की। ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर था, सेकंड पैरामीटर है ट्रुथ टेबल। तो आपको पता ही होगा कि हम किस तरह से बनाते हैं ट्रुथ टेबल, इसका कुछ इस तरह से हम कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। तो यहाँ पर नैंड के अंदर हमें देखना है कि जब भी दोनों भी ट्रू है तभी हमारा आउटपुट फॉल्स है,
तो दोनों ट्रू कभी हैं इस केस में, दोनों भी ट्रू हैं, तो हमारा जो आउटपुट है वो लो है फॉल्स है, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा और बाकी सभी कंडीशंस के अंदर जो है वो वन वन आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर एंड गेट के साथ इसका अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह के रिजल्ट दिखेंगे। सो जैसे आप देख सकते हैं ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल था जो हमने डिस्कस कर रखा था, तो इस केस के अंदर 0 0 ये सब के अंदर 0 आ रहा है, सिर्फ लास्ट में 1 आ रहा है। लेकिन इस केस में जो है वो इसका टोटली ऑपोजिट है, 0 के जगह पर आपको 1 दिखाई देगा और 1 के जगह पर आपको 0 दिखाई देगा। तो इस तरह से जो है वो इसका टोटली इन्वर्टेड हमें रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि बेसिकली एंड गेट के अंदर अगर हमने उसका नॉट लगा दिया, यानी कि 0 को 1 और 1 के अंदर जो 0 करता है नॉट गेट, तो हमारा नैंड गेट बन के यहाँ पर रेडी है। तो आई होप कि आपको इसका ट्रुथ टेबल समझ में आ गया हुआ है, इट्स काफ़ी सिंपल। अगर हम थर्ड पैरामीटर की बात करें जो कि है हमारा एक्सप्रेशन बूलियन इक्वेशन बेसिकली, सो अगर हम यहाँ पर बूलियन इक्वेशन की बात करते हैं, तो जैसे आपको पता है एंड गेट का बूलियन इक्वेशन किस तरह का था। सो एंड गेट के अंदर हम लिखते थे वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी, लेकिन ये चूंकि इसका कॉम्प्लीमेंट है हम उसको बार लगा देंगे, जिस तरह से हमने किया था नॉर गेट के लिए। सो यही इसी तरह का यहाँ पर बूलियन इक्वेशन आपको दिखाई देगा कि हमने एंड गेट के लिए जैसा था वैसे लिख दिया, उसका बस कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वो नैंड गेट बन गया हमारा। इसी तरह से अगर हम फोर्थ पैरामीटर की बात करते हैं जो कि है हमारे सिंबल के बारे में, तो ये भी सिंपली जो है वो एंड गेट की तरह ही इसका सिंबल है, यानी कि आपको पता था इसका ट्रिक हमने कैसे याद करवाया था कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये अगर ए बी है तो यहाँ पर वाई होगा, लेकिन यहाँ पर जो है चूंकि वो एंड गेट है तो यहाँ पर हम एक बूलियन इस तरह से दे देंगे बबल, और फिर उसको हम इन्वर्ट कराएंगे, यानी कि इस केस में अगर हम एंड की बात करते थे तो ये ए प्लस ए डॉट भी होता था, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि इसके अंदर ये लगा दिया है तो ये यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये इसके सिंबल के बारे में बात हुई। सो यहाँ पर हम इस तरह से नैंड गेट को लिख सकते हैं इस तरह का। और फिर अभी जो है वो हम सर्किट डायग्राम के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम इसके सर्किट डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर हमारा वोल्टेज सोर्स आ जाता है, बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ही आ जाता है, और फिर जो है वो यहाँ पर हमारा एक LED आ जाता है, यहाँ पर हमारा रेसिस्टर आ जाता है, और फिर हमारी जो जो इनपुट है हमारा वो यहाँ पर आ जाता है। और इस बार जो है वो हम दोनों को भी जो है वो इस तरह से सीरीज में लगाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ए होगा और बी होगा, दोनों सीरीज में लगे हैं, और फिर हम यहाँ पर जो है वो इसको यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। तो ये जो है वो हमारा नैंड गेट का सर्किट डायग्राम यहाँ पर रेडी है। तो अभी हम उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले हम उसका ट्रुथ टेबल बना देते हैं। यहाँ पर हमारा ए होगा, बी होगा और यहाँ पर हमारा LED होगा इस केस में। और फिर अगर हम ओपन क्लोज के टर्म्स में इसे रिप्रेजेंट करते भी है तो ये ओपन, फिर ये ओपन, 0 0 0 क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड ओपन, और फिर ये दोनों भी जो है वो क्लोज्ड और फिर ये क्लोज्ड। तो अगर हम अभी इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो सबसे फर्स्ट केस में जो भी दोनों भी ओपन है, यानी कि यहाँ पर भी ओपन है, यहाँ पर भी ओपन है, इसका मतलब है कि ये दोनों एग्जिस्ट करते ही नहीं है इस केस में। सो यहाँ पर जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो अगर हमारा करंट फ्लो हो भी रहा है तो वो सिंपली जो है वो कोई भी केसेस के अंदर वो इंटरफेयर नहीं करेगा, और फिर यहाँ पर जो है वो यहाँ से वो चले जाएगा और फिर हमारी LED जो है वो ऑन हो जाएगी, यानी कि वो ग्लो करेगी, तो हमारी LED यहाँ पर जो है वो इस केस में ऑन होगी। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें जो हमारा A ओपन सर्किट है और B क्लोज्ड सर्किट है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा A ओपन है लेकिन B को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है इस केस में, तो फिर भी चूंकि हमारा B ओपन है और ये क्लोज्ड है तब भी जो है वो ये क्लोज्ड के बराबर ही होता है, तो हमारा करंट जो है वो इसे इग्नोर करके यहाँ से जाएगा और फिर हमारी जो LED है दोबारा से वो ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि वो करंट यहाँ से फ्लो कर LED के थ्रू जा रहा है, तो इट्स ऑन। अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें जहाँ पर हमारा A क्लोज है लेकिन B को हमने ओपन कर दिया, तो सिंपली जो है वो अगर करंट
क्लोज्ड की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर ये ओपन है तो ये करंट यहाँ पर नहीं आ जाएगा, वो यहाँ से ही चली जाएगा एलईडी से। तो यहाँ पर भी इस केस में हमारी जो एलईडी है वो ग्लो करेगी, यानी कि वो ऑन होगी। लेकिन अगर हम लास्ट केस की बात करते हैं, जो भी दोनों भी जो है वो क्लोज्ड है, यानी कि इसको भी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया तो वो ऐसे हो गए, इसको भी अगर हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया तो ये भी ऐसे हो गया, यानी कि ये पूरा एक ना जो है वो सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहाँ से जो हमारा करंट है वो ऐसे जाएगा और फिर जो है वो हमारी एलईडी ग्लो नहीं करेगी, वो ऐसे टर्न होकर जाएगी एलईडी की तरफ, वो नहीं जाएगा। सो इस केस में सिर्फ जो है वो हमारा एलईडी ग्लो नहीं करेगा, यानी कि वो ऑफ होगा। सो आई होप कि आपको इसका ट्रुथ टेबल समझ में आ गया होगा, इसका वर्किंग आपको समझ में आ गया होगा, सर्किट डायग्राम जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम है इन टर्म्स ऑफ एलईडी एंड ऑन ओपन एंड क्लोज। सो इस तरह से हम इसे चलाकर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि बस यहाँ पर जो है वो हमारे सर्किट डायग्राम के अंदर डिफरेंस क्या है। तो जैसे हमने नॉर गेट के अंदर देखा, तो ये यहाँ पर जो हमारे इनपुट्स हैं वो खुद पैरेलली कनेक्टेड है और एलईडी के भी वो पैरेलल है, लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये सीरीज के अंदर है और फिर यहाँ पर भी हम जो है वो इसे इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं विद आर एंड गेट, चूंकि ये नैंड है जो कि एंड का ऑपोजिट है, तो आप देख सकते हैं कि एंड के अंदर हमने क्या किया था कि दोनों को भी हमने इस तरह से सीरीज में जोड़कर इसको सीरीज में इसके साथ ही कनेक्ट कर दिया था, तो ये एंड गेट का हमारा बन गया था। लेकिन इस केस में हम उसको नैंड के लिए इस तरह से अरेंज कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें ये अरेंज करने हैं हमारी इनपुट सोर्सेज को, ताकि हमें प्रिसाइज आउटपुट मिल जाए। सो आई होप कि आपको नैंड गेट के बारे में समझ में आ गया होगा पूरा। अभी हम बात करते हैं हमारे थर्ड बेसिक यूनिवर्सल गेट की, जो कि है हमारा एक्सोर गेट, या फिर कई लोग उसे इस तरह से एक्सोर की तरह भी लिखते हैं। इसका बेसिकली मतलब होता है एक्सक्लूसिव और गेट। सो एक्सोर गेट का ये जो शॉर्ट फॉर्म है एक्स और या फिर सिंपली एक्सोर। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये एक्सोर गेट का क्या फंडा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो इसका लॉजिक समझ लेते हैं। तो अगर हम लॉजिक की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होता है कि व्हेन ए इज ट्रू और, क्योंकि और गेट है, बी इज ट्रू, यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, बट नॉट बोथ, देन वाई इज ट्रू। सो बेसिकली ये हमारा इसका लॉजिक है कि जो भी ए ट्रू है और बी ट्रू है, यानी कि ए बी दोनों में से कोई ट्रू है लेकिन दोनों ट्रू नहीं है, तब भी हमारा जो y है वो ट्रू हो जाएगा, यानी कि y ग्लो करेगा। तो और गेट की अगर हम बात करें तो वो उसका स्टेटमेंट था कि when a is true और b is true then y is true, लेकिन यहाँ पर ये तो सब सेम है, लेकिन यहाँ पर हमने ये बट नॉट बोथ को ऐड करके इसका लॉजिक थोड़ा बदलवा दिया है हमने। तो ये इसका लॉजिक है, हम इसे प्रूव करके देखेंगे तभी आपकी समझ में आ जाएगा। और सेकेंड पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि है उसका ट्रुथ टेबल। तो अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं और अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर ए बी और वाई आता है, यानी कि 00 01 10 11। और अभी अगर हम इसकी आउटपुट की बात करें अकॉर्डिंग टू इट्स लॉजिक, तो वो ये है कि व्हेन ए इज ट्रू और बी इज ट्रू, तो दोनों में से एक ट्रू ये सब ये कंडीशन में है, ये और दोनों में भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी दोनों में से एक ट्रू है बट नॉट बोथ, तो ये दोनों कंडीशंस में ये सेटिस्फाई हो पा रहा है कि इस केस में ए ट्रू है और बी ट्रू है लेकिन दोनों नहीं है, तो इस केस में जो है वो हमारा वाई ट्रू रहेगा, यानी कि कुछ ऐसे, और जो है वो हमारा बाकी का जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये इस तरह का इसका ट्रुथ टेबल होता है कि जो भी दोनों में से कोई एक ट्रू हो लेकिन दोनों भी ट्रू ना हो, तो इस केस में हमारा जो वाई है वो ट्रू होगा। सो कई बार जो है वो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो कि एक्चुअल में हमारा क्या था लॉजिक, तो आप जो है वो सिंपली मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ उसे याद रखने की।
तो चूंकि वो एक्सक्लूसिव और है तो यहाँ पर पूरे और का ही आएगा, यानी कि ये ट्रू है या फिर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पर बस हमें ये कंडीशन ऐड करनी है तो हमें जो है वो ये आउटपुट खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन हम कंफ्यूज हो सकते हैं कई बार कि यहाँ पर ट्रू था या फॉल्स था, यानी कि यहाँ पर 0110 था या फिर 1001 था, तो ये भी आपके दिमाग में आ सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस केस में हम इसे और भी एक तरह से लिखते हैं कि व्हेन सेम इनपुट आउटपुट इज जीरो, यानी कि जब भी सेम इनपुट होता है तभी हमारा जो आउटपुट है वो जीरो आ जाता है, और डिफरेंट इनपुट होता है तो हमारे आउटपुट को वन आ जाता है। सो इस केस इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। सो आई होप कि आपको दो पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, फर्स्ट इज लॉजिक, सेकंड है ट्रुथ टेबल। अभी हम बात करते हैं थर्डली इसके, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, और थर्ड इसका होगा अभी हमारा बूलियन एक्सप्रेशन, और हमारा फोर्थ पॉइंट होगा सिंबल। सो बूलियन इक्वेशन अगर हम एक्स और की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, तो आपको जैसे पता होगा कि और के लिए हम क्या करते हैं, इसमें और आ रहा है तो हमें सिंपली जो है वो और का लिखना होगा सबसे पहले, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। और अगर हम नॉर की बात करते तो वो कॉम्प्लीमेंट आता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हम इस प्लस को इस तरह से करेंगे। तो एनसर्कल जब हम करते हैं तो ये जो है वो इसका बूलियन एक्सप्रेशन बन जाता है एक्सक्लूसिव और गेट का। इसी तरह से अगर हम सिंबल की बात करते हैं तो आपको जैसे पता होगा कि और गेट का सिंबल किस तरह से होता है, इस तरह से हम बनाते थे, ये ए था ये बी था और फिर यहाँ पर ये वाई था, वाई इस केस में जो है वो इस तरह से होगा वाई एक्सक्लूसिव और बी। लेकिन अब इस केस में चूंकि वो एक्सक्लूसिव और है, हम यहाँ पर बूलियन नहीं बल्कि यहाँ पर हम इस तरह से एक बना देंगे, तो ये जो है वो हमारा एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल हो गया। इसे अगर हम और भी अच्छे से बनाएं तो फिर वो इस तरह से दिखेगा, पहले हम ये बनाएंगे फिर इस तरह से होगा और फिर ये ऐसे होगा, तो ये दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज वाई। सो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बात हुई हमारे टू इनपुट्स की, यानी कि जब भी दो इनपुट्स होता है तो ये सिंबल होता है। अगर हम इसी के अंदर अगर हम बात करते हैं थ्री इनपुट्स की, तो इस केस में जो है वो इस तरह से हमारा एक्सक्लूसिव और गेट बनेगा, यानी कि ए बी और सी अगर आ जाए तो यहाँ पर ये ऐसे बनेगा इसका सिंबल। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सिंबल कैसे बनाते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके फिफ्थ एंड लास्ट पैरामीटर की, जो कि है हमारा सर्किट डायग्राम। सो सर्किट डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा यहाँ सोर्स आ जाएगा, इसके बाद जो है वो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, यहाँ हमारा ए होगा, ए टर्मिनल होगा, और यहाँ पर हमारा जो है वो बी टर्मिनल होगा, यहाँ एलईडी होगी कुछ इस तरह से, यह हमारा बी होगा। लेकिन ये एक्सॉर्ड है इसलिए ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक ज़ीरो वाला नोड कनेक्ट कर देंगे, इस केस में भी हम एक ज़ीरो वाला नोड कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर जो हमारे फिक्स्ड इनपुट्स होंगे वो दोनों तरफ ज़ीरो होंगे, और फिर जो है वो हम क्रॉस में हम यहाँ पर जो है वो वन वाले नोड्स यहाँ पर बना देंगे। ये हमारा वोल्टेज है और फिर ये हमारी एलईडी है, बेसिकली लैम्प जो कि वाई है। और फिर जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर इसके एक्सॉर गेट के इसके ट्रुथ टेबल के कुछ इस तरह से, ओपन 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 क्लोज्ड क्लोज्ड ओपन और फिर क्लोज्ड और क्लोज्ड, अगर हम ऐसे बनाते हैं यहाँ पर तो हम देखते हैं कि हमें पता है कि इसके अंदर क्या होता है एक्सॉर गेट के अंदर, कि जब भी दो सिमिलर सेम आउटपुट्स होता है तभी वो ज़ीरो होता है। तो आप देख सकते हैं इस केस में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो है, यानी कि जब भी ये कनेक्टेड है या फिर जब भी ये कनेक्टेड है तभी हमारा जो आउटपुट है वो ज़ीरो रहेगा दोनों ही केस में। लेकिन ए और बी के अपोजिट टर्मिनल्स जब ये कनेक्टेड हो जाता है सिर्फ तभी जो है वो हमारा यहाँ पर जो है वो एलईडी ग्लो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमने ए से ज़ीरो लिया है और फिर अगर यहाँ पर हमने बी से वन लिया है जो कि है ये वाला, सिर्फ
तभी जो है वो ये सर्किट कनेक्ट हो पाएगा और फिर हमारा एलईडी जो है वो ग्लो करेगा। या फिर इस केस में अगर हमने ए का 1 लिया है और फिर बी का अगर हमने यहाँ पर जो है वो 0 लिया है, तो इस केस में अगर हम ऐसे करते हैं तो ही हमारा जो सर्किट है वो ग्लो करेगा। चूंकि वो क्रॉस वोल्ट कनेक्टेड है और दो टर्मिनल्स इसके आपस में कनेक्टेड है, दोनों के बीच जो सेम टर्मिनल्स है वो और अपोजिट टर्मिनल्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है, इसकी वजह से ये ऐसे हो पा रहा है कि जो भी दोनों के अपोजिट टर्मिनल्स कनेक्टेड होंगे तभी एलईडी पर सप्लाई आ पाएगा और वो ग्लो करेगा। या फिर जो भी दोनों के सेम टर्मिनल्स कनेक्टेड होता है तो हमारा जो सर्किट है वो ओपन सर्किट रहेगा और एलईडी ग्लो नहीं करेगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर हम इसका और एक डायग्राम यहाँ पर समझते हैं और जो कि है कुछ इस तरह का, और एक्सक्लूसिव वर्ड गेट किस तरह से बनता है वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा एक एंड गेट आ जाएगा और यहाँ पर हम एक और एंड गेट बना देंगे और फिर यहाँ पर जो है वो हम ये इसके इनपुट एक इनपुट के अंदर हम यहाँ पर नॉट गेट लगा देंगे कुछ इस तरह से, और फिर ये भी कुछ उसी तरह से होगा। इसके अंदर हम फर्स्ट वाले इनपुट के अंदर जो है वो नॉट गेट लगाएंगे और सेकंड वाला इनपुट कुछ ऐसे ही होगा। और फिर यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे कि ये हमारा ए इनपुट है और फिर जो है वो यहाँ पर हमारा बी इनपुट है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर ये जो है वो टोटली हमारा और गेट से जुड़ा होगा और फिर यहाँ पर ऐसे होगा। और यहाँ से ही हमें और एक इक्वेशन सीखना है जिसे हम बेसिकली डिमोगन्स थ्योरम का इक्वेशन कहते हैं, जिसके अंदर हम ये जो हमने बनाया है y इक्वल्स टू ए एक्स और बी, इसको जो है वो हम दो तरह से लिखते हैं। तो ये भी हम यहाँ पर सीखेंगे कि बेसिकली ये जो है यानी कि ए एक्स और बी जो है उसे हम ए बार बी प्लस ए बी बार इस तरह से भी एक्सपैंड करके लिखते हैं, और ये किस तरह से होता है वो हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम इसे प्रूफ कैसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये डायग्राम समझना है। सो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो एंड गेट है, लेकिन ये पूरे के पूरे एंड गेट नहीं है, इनके ऑल्टरनेटिंग टर्मिनल्स को हमने नॉट लगा दिया है और यहाँ पर जो है वो हमने और लगा दिया है। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी, तो ये बेसिकली ए बार बी है, यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर हमने इसको उल्टा कर दिया, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको आगे और इसके पीछे, तो फिर इसको अगर हम आगे लेते हैं यानी कि ए बी बार अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस ए बार बी इसको बाद में लिखते हैं तो उसका रिजल्ट तो सेम आने वाला है। यही रिप्रेजेंटेशन को बेसिकली हमने डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर इसे बनाया है। अगर हम ए बी बार लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये सिंपली ए होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो इसका नॉट गेट लगा दिया है, तो यहाँ पर जो है वो बी का जो है वो जो कॉम्प्लीमेंट है वो यहाँ पर आएगा यानी कि बी बार, तो यहाँ पर जो निकलेगा वो ए बी बार होगा हमारा। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए के अंदर जो है वो नॉट लगाया है यानी कि ये ए बार हो गया, और बी को एस इट इज रखा है तो ये बी हो गया, यानी कि ये एंड का जो है वो ए बार बी इस तरह से है। सो ये जो है वो हमारे दोनों भी और के इनपुट्स हैं। तो अगर दोनों भी और के इनपुट्स को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें पता है कि कोई भी और का इनपुट हम ऐसे लिखते हैं प्लस के फॉर्म में, तो ये हमारा फर्स्ट इनपुट हो गया और फिर ये हमारा सेकंड इनपुट हो गया जो यहाँ पर लिखा है, और फिर बस यही हमारा डिजायर्ड इनपुट आउटपुट है। सो ये बेसिकली हमारा एक्सक्लूसिव और गेट का कंस्ट्रक्शन होता है, ये एक्स और गेट होता है, और ये जो है वो हम इस तरह से लिखते हैं। अब अभी अगर आप इसे प्रूफ करते हैं यानी कि अगर हम 0 और 1 के टर्म्स के अंदर अगर हम इसे प्रूफ करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। सो आपको जैसे पता है कि ये हमने लिखा था कि y इक्वल्स टू a एक्सक्लूसिव और b, यानी कि y इक्वल्स टू एक्सक्लूसिव और b इक्वल्स टू a बार b प्लस a b बार, इसी तरह से हमने लिखा था। अभी जो है वो हम प्रूफ करेंगे, तो जब हम दोनों को प्रूफ करेंगे हमें सभी कंडीशंस के अंदर प्रूफ करना होगा, यानी कि फर्स्ट केस के अंदर हम लेंगे कि हमारा a 0 है और b 0 है,
सेकेंड कंडीशन के अंदर हम लेंगे कि हमारा ए जीरो है, बी वन है. थर्ड कंडीशन के अंदर हम लेंगे कि हमारा ए वन है और बी जीरो है. फोर्थ कंडीशन के अंदर हम लेंगे कि जी भाई हमारे दोनों भी ए और बी वन है. तो ये सभी के अंदर हम इसे जो है वो प्रूफ करने वाले हैं ये इक्वेशन को. सो ये हम यहाँ पर जो है वो प्रूफ करेंगे. सबसे पहले कि दोनों भी जो ए और बी दोनों जो है वो जीरो है, तो ए बार बी यानी कि जीरो का ए बार जो है वो वन होगा और यहाँ पर बी बार अगर हम करते हैं तो वो वन होगा, जीरो का ऑपोजिट वन. तो अभी हम यहाँ पर ये सभी टर्म्स को यूज करके इसके अंदर फिल करें. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बार बी यानी कि वन मल्टीप्लाइड बाई बी जो कि है जीरो प्लस ए जो है वो है हमारा जीरो एंड देन मल्टीप्लाइड बाई बी बार जो कि है वन. तो वन जीरो सा वन, सॉरी वन जीरो सा जीरो प्लस जीरो वन जा जीरो, सो जीरो प्लस जीरो जो है वो हमारा जीरो हो जाता है. सिमिलरली अगर हम इसे भी करते हैं सब जगह पर जो है वो मैं ये लिख देती हूँ, उसका जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा और बी बार जो है वो वन का जीरो हो जाएगा. अभी दोबारा से वही अगर हम फॉर्मूला के अंदर डालते हैं, सो ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ए बार इज वन, बी इज जो है वो वन अगेन, सो प्लस ए जो है वो जीरो है, बी बार जो है वो जीरो है. सो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं यानी कि वन डॉट वन मतलब वन मल्टीप्लाइड बाई वन इज वन प्लस जीरो जीरो जीरो, सो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो वन आता है. इसी तरह से अगर हम इसे करें लेकिन इसका हम अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वन का जीरो हो जाएगा और इस केस में जीरो का वन हो जाएगा. सो अगर हम इस फॉर्मूला के अंदर इसे सब्सटीट्यूट करते हैं, सो ए बार यानी कि जीरो, ए बार बी यानी कि अगेन जीरो प्लस ए है हमारा वन और बी बार यहाँ पर ये बार है जो कि है वन, सो जीरो प्लस वन इज अगेन वन. इस तरह से इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए बार भी जीरो है और बी बार भी जीरो है. एंड इफ यू यूज दिस फॉर्मूला हियर अगेन, सो ए बार जो है वो जीरो, बी जो है वो हमारा वन है प्लस ए जो है वो हमारा वन है एंड बी बार जो है वो इस केस में जीरो है. सो जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज जीरो प्लस जीरो जो कि है जीरो. एंड नाउ इफ यू कंपेयर हमारे जो आउटपुट्स आए हैं अगर हम उसको एक्सक्लूसिव और के जो हमने ट्रुथ टेबल बना था उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो जीरो वन वन और जीरो आ गया है. और ये हमने ट्रुथ टेबल से भी प्रूफ किया था. जस्ट आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव और ट्रुथ टेबल बुलियन इक्वेशन सब कुछ है और इसमें भी जीरो वन वन जीरो आया था, इसमें भी जीरो वन वन जीरो ही आ रहा है. सो इस तरह से इसको जो है हम एक्सपैंड कर सकते हैं यूजिंग दिस, यानी कि बेसिकली हम यहाँ पर दो एंड गेट को लगा रहे हैं, दोनों के अंदर एक एक ऑल्टरनेटिंग टर्मिनल्स को नॉट करा रहे हैं और फिर यहाँ पर हम दोनों को जोड़ रहे हैं यूजिंग और गेट. और ये आपको जो है वो इस सिंबल से भी, सिंबल एक डायग्राम से भी समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशंस हम कैसे यहाँ पर पाते हैं. सो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे हम यहाँ पर एक्सक्लूसिव और का भी हम पूरा किस तरह से समझते हैं उसका जो है वो ये डायग्राम और उसका ये डेरिवेशन. सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरे जो यूनिवर्सल गेट्स हमने डिस्कस किए और बेसिक गेट्स भी जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे. सो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. हेल्पफुल लगा हो वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए. कोई भी अगर आपके मन में डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए एंड आई विल आंसर देम. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.